नमस्कार, मैं नेहा साहिन, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 23 जिलों में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे 23 नए पुल और रेल ओवरब्रिज। बिहार के कई जिलों में 4.5 तीव्रता का आया भूकंप। कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत बने गणितज्ञ आनंद कुमार, सियोल में ली शपथ। बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का नया शेड्यूल जारी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 23 जिलों में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे 23 नए पुल और रेल ओवरब्रिज। बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में 23 नए पुल और रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पथ निर्माण विभाग ने इस योजना के लिए धन की मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी। इन परियोजनाओं में दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, बांका, सहरसा, झंझारपुर, मधुबनी, पूर्णिया और कई अन्य जिलों में पुलों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भागलपुर, नालंदा, पटना, खैरा, रोहतास, सासाराम, बक्सर और तारेगना में नए आरओबी का निर्माण किया जाएगा, जो रेलवे क्रॉसिंग के स्थान पर बनाए जाएंगे। बिहार में 12,220 हेक्टेयर में होगी तिलहन की खेती। इस वर्ष बिहार में तिलहन की खेती को लेकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने भारतीय तिलहन शोध संस्थान हैदराबाद के साथ एक MOU साइन किया है। इस सहयोग के तहत BAU और भारतीय तिलहन शोध संस्थान मिलकर शोध प्रसार, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। इस वर्ष बिहार में कुल 12,220 हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की खेती की जाएगी। बता दें, संपूर्ण बिहार में मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सरसों, सूरजमुखी, अरंडी सहित 9 प्रकार के तिलहन की खेती की जाएगी। विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सबसे अधिक तिलहन की खेती होगी। कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत बने गणितज्ञ आनंद कुमार, सियोल में ली शपथ। गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस साल कोरियाई पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। कोरिया पर्यटन संगठन के कार्यकारी उपाध्यक्ष हाकजू ली ने आनंद कुमार को शपथ दिलाई। इस सिलसिले में भव्य समारोह का आयोजन गैंगवान राज्य में सेगे आरो वोंजू स्थित कोरिया पर्यटन संगठन के मुख्यालय में हुई। इस अवसर पर हाकजू ली ने कहा कि आनंद कुमार का चयन कोरियाई पर्यटन दूत के रूप में इसलिए किया गया क्योंकि उनकी लोकप्रिय भारत और कोरिया दोनों देशों में ज्यादा है। बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के दक्षिणी जिलों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश के होने के आसार है। पटना, गया और इसके आसपास के जिलों में 2 दिन तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर और नवादा शामिल है। इस दौरान उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग के जिलों में गरज तड़क के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है। बिहार के कई जिलों में 4.5 तीव्रता का आया भूकंप। बीते दिन बिहार के भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र झारखंड के संथाल परगना जिले के रामगढ़ में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। हालांकि भूकंप का असर बहुत ज़्यादा नहीं था, किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली। इस दौरान लोग घर से बाहर निकलते नजर आए। वही अधिकांश लोग उस समय सो रहे थे या मंदिरों में जागरण कर रहे थे। भूकंप का असर बिहार और झारखंड के अन्य जिलों में भी देखा गया, लेकिन कहीं भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में PT और मुख्य परीक्षा में मिलेगी विशेष छूट। नीतीश सरकार संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट देने का फैसला लिया है। अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर ये छूट सरकार देगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर एक स्पष्टीकरण विभागों को जारी किया है, जिसमें नियमित नियुक्ति को लेकर संविदा कर्मियों की अधिकतम उम्र सीमा और काम अनुभव के आधार पर लाभ देने की बात कही गई है। संविदा पर नियुक्त कर्मियों को सरकार की ओर से प्रतिवर्ष संतोषजनक काम के लिए 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता प्रदान की गई है।
रिटायर्ड प्रोफेसर से 4.52 करोड़ रुपए ठगने वाला दंपति दरभंगा से गिरफ्तार। पीएमसीएच के रिटायर्ड ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्रिजलाल के साथ 4,52,77,000 रुपए की ठगी करने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कदमकुआं थाना क्षेत्र के थानेदार राजीव कुमार ने बताया कि 23 अगस्त को डॉक्टर ब्रिजलाल ने दंपति बरजेंद्र कुमार और उसकी पत्नी भावना प्रिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने दंपति को दरभंगा के लहरिया सराय से गिरफ्तार किया है। बता दें ये दंपति पटना से दरभंगा चले गए थे और वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया है। आरा की दो महिला और पुरुष पहलवान दिखाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर दम। नेपाल के काठमांडू में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाले कॉम्बैट साउथ एशिया चैंपियनशिप कुश्ती में भोजपुर के राधा अर्चना और अनुपम अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 8 देशों की महिला और पुरुष पहलवान हिस्सा लेंगे। बिहार राज्य से 37 पहलवान इसमें भाग लेंगे, जिनमें 8 महिला और 29 पुरुष पहलवान शामिल हैं। ये जानकारी संघ की प्रदेश सचिव और वेट लिफ्टिंग की गोल्ड मेडलिस्ट दीपाली नंदी ने दी। नंदी ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारतीय टीम 29 सितंबर को नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना होगी। हरियाणा के सोनीपत से पकड़े गए बिहार के दो ठग। बिहार के सारण पुलिस ने आईआईटीएन और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिन पर ऑनलाइन ठगी का आरोप है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेथवलिया चौक स्थित ठाकुर जी ऑटोमोबाइल की प्रोप्राइटर श्रुति कुमारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। श्रुति कुमारी ने कहा कि ठगों ने बाइक और स्कूटर की एजेंसी दिलाने के नाम पर 20,20,500 रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए टेक्निकल टीम और सर्विलांस का सहारा लिया। इसके बाद आरोपियों को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि पकड़े गए दोनों ठग बेहद शातिर और तकनीकी रूप से दक्ष हैं। बगहा छपुआ मार्ग पर बनेगा एलिवेटेड रोड, यातायात सुविधा में होगा सुधार। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने घोषणा की है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मुख्य सड़क NH-727 को फोरलेन बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सड़क एवं परिवहन विभाग DPR तैयार कर रहा है। इस परियोजना के तहत बगहा से मोतिहारी के छपुआ तक लगभग 80 किलोमीटर लंबी सड़क फोर लेन बनाई जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने इस सड़क को नए सिरे से बनाने का निर्णय लिया है, जो क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मंत्री दुबे ने एकीकृत पेंशन योजना की भी सराहना की, जो वृद्धावस्था में लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है। तेजस्वी यादव ने की जाति जनगणना की मांग, बोले मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जाति जनगणना कराने की मांग की है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने ताजा ट्वीट में तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि वे किसी भी स्थिति में जातिगत जनगणना कराने के लिए उन्हें मजबूर कर देंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का है और इसके लिए वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे। बिहार की राजनीति पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखी चिट्ठी। प्लुरस पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्य की राजनीति और विभिन्न सियासी दलों की कड़ी आलोचना की है। इस चिट्ठी में उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और कहा कि प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपनी भागीदारी को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन की तिलांजलि दे दी है। उनके अनुसार बिहार और राजनीति उनके लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ लोग बिहार की जनता को गांधी और अंबेडकर के पोस्टर दिखाकर झांसा देने का काम करते हैं। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव थामेंगे जनसुराज का दामन। बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव अब जनसुराज पार्टी का हिस्सा बनेंगे। बता दें ज्ञान भवन में आयोजित समाजवादी समागम के दौरान देवेंद्र प्रसाद यादव आज जनसुराज की सदस्यता ग्रहण करेंगे। देवेंद्र प्रसाद यादव अब जनसुराज के बिहार भर में चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का नया शेड्यूल जारी। इस दिन भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। आईसीसी ने वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का अपडेट जारी किया है। इस बार ये टूर्नामेंट बांग्लादेश से शिफ्ट होकर यूएई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच मुकाबला होगा। 9 अक्टूबर को भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा और 13 अक्टूबर को भारत का अंतिम ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में खेला जाएगा। सेमीफाइनल की शुरुआत 17 अक्टूबर को दुबई में होगी। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है और अंत में फाइनल मैच 20 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, गुणर शर्मा, राम बाबूदास, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांटी, मुन्ना प्रसाद, अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।